शर्मा एएलटी स्काउट स्काउट गाइड एकेडमी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ श्रीमती मोनिका यादव सीओ गाइड साथ में है, जो हमें स्काउटिंग के संबंध में और गंगानगर जिले की प्रगति के संबंध में जानकारियां देंगी। मैडम, आज आप गंगानगर जिले के सीओ जैसे उच्च पद पर विद्यमान है, लेकिन बचपन में आपको स्काउटिंग में आने की प्रेरणा कहाँ से मिली? मुझे बचपन में प्रेरणा मेरे स्कूल में, जब मैं 6th क्लास में पढ़ती थी, तो सरस्वती उच्च माध्यमिक विद्यालय अनूपगढ़ में वहाँ की प्रिंसिपल मैडम मनीषा चौधरी है, उन्होंने मुझे स्काउटिंग में ज्वाइन करवाया और पेरेंट्स से बात की कि भी स्काउटिंग जीवन में बहुत महत्व रखती है और इसको स्काउटिंग ज्वाइन करवाओ, तो मैडम का श्रेय है कि मुझे स्काउटिंग में लेके आए। स्काउटिंग में आपने शुरू की और राष्ट्रपति अवार्ड गाइड तक आप पहुंची, लेकिन जो सीओ ज्वाइन करने के बाद आप गंगानगर जिले में कई वर्षों से हैं, इस जिले की सीओ के रूप में आपके गंगानगर की क्या उपलब्धियां हैं? जब मैंने ज्वाइन किया है तब से आज तक गंगानगर की जो स्थिति है वो बहुत अच्छी है और जो भी हमारे संख्यात्मक गुणात्मक या जो भी हमारे टारगेट है होते हैं उसमें गंगानगर जिला जो है अव्वल रहता है। और कोरोना में भी जैसे 70 देश राज्यों का सिलेक्शन हुआ था, उसमें जो राजस्थान के हैं 7 जिले सिलेक्ट हुए थे, उसमें से गंगानगर एक था, तो कोविड के टाइम भी गंगानगर ने बहुत अच्छा काम किया रोवर रेंजर ने। हमें कोरोना काल आज चल रहा है और सब जगह इसके कारण व्यवस्थाओं में परिवर्तन हो रहा है, तो स्काउटिंग में इस कोरोना काल में क्या परिवर्तन आए पाठ्यक्रम की दृष्टि से और प्रशिक्षण की दृष्टि से? इसके पाठ्यक्रम में भी चेंजिंग होने हैं, जैसे इसमें पहले कई प्रोजेक्ट दिए होते थे तो उसमें भी अलग प्रोजेक्ट देंगे, जैसे कोविड के टाइम जो काम चल रहे हैं उस पे प्रोजेक्ट होंगे, और जो भी कोर्सेज है वो ऑनलाइन हो रहे हैं, मीटिंग भी ऑनलाइन हो रही है, जैसे बिजनेस कोर्स हुआ, आरओटी कोर्स हुआ और प्री एएलटी कोर्स हुआ, ये सारे कोर्स हैं जो ऑनलाइन हो रहे हैं, और राज्य पुरस्कार का प्रशिक्षण भी है जो ऑनलाइन हुआ है, और आगे टेस्टिंग की भी प्रक्रिया अभी शुरू हो रही है कि टेस्टिंग भी शायद ऑनलाइन ही हो, तो इसमें भी जैसे और स्कूलों में और जो पढ़ाई ऑनलाइन हो रही है उसी प्रकार स्काउटिंग में भी ऑनलाइन अपनी गतिविधियां शुरू कर रखी है और ऑनलाइन सारा काम हो रहा है। स्काउटिंग में यद्यपि बहुत अच्छा काम हो रहा है और सारी दुनिया में स्काउटिंग फैली 216 देशों में लगभग, लेकिन एक कई बार जब स्कूलों में जाते हैं तो वहाँ एक विवाद आ जाता है, एक हिंदुस्तान नाम की स्काउटिंग चल रही है, तो उन प्रिंसिपल्स और टीचर्स को आप क्या समझाते हैं कि वो समझ सके कि भारत स्काउट गाइड क्या है और हिंदुस्तान स्काउट गाइड क्या है, इन दोनों में क्या अंतर है? टीचर्स को यही समझाते हैं कि भी जो भारत स्काउट गाइड है प्राचीन समय से चली आ रही है और वर्ल्ड ब्यूरो से ये मान्यता प्राप्त है, तो समझने वाले तो ये समझ सकते हैं कि वर्ल्ड स्तर की लेवल की जो स्काउटिंग है वो भारत स्काउट गाइड है और भारत स्काउट गाइड ही वो अपनाना चाह रहे हैं। ये हिंदुस्तान स्काउट गाइड सिर्फ जाके स्काउट गाइड का नाम लेते हैं, नहीं कि हिंदुस्तान स्काउट गाइड कहते हैं, तो ऐसी समस्या शुरू में हुई थी, अब फिर भी लोगों को समझ में आने लगा है कि भारत स्काउट गाइड क्या है और हिंदुस्तान स्काउट गाइड क्या है, तो उनको पता चलने लगा है कि ये वर्ल्ड से मान्यता प्राप्त है, वर्ल्ड ब्यूरो से, और जबकि हिंदुस्तान स्काउट गाइड वर्ल्ड ब्यूरो से मान्यता प्राप्त नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि हिंदुस्तान स्काउट गाइड केवल स्थानीय लेवल की स्काउटिंग है, जो केवल राष्ट्र स्तर पर या कुछ जिलों में या कुछ स्थानों पर केवल काम कर रही है, जबकि जो भारत स्काउट गाइड है वो वर्ल्ड ब्यूरो से मान्यता प्राप्त और लगभग 216 देशों तक फैली हुई स्काउटिंग है। स्काउटिंग के बारे में मैडम, कई बार पेरेंट्स को ये कंफ्यूजन रहता है, वे उसमें कई बार बच्चों को रुचि नहीं लेते जब वो भाग लेना चाहते हैं, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे? पेरेंट्स को यही कहना चाहूंगी कि स्काउटिंग बच्चे के जीवन में पढ़ाई के साथ साथ बहुत अहमियत रखती है, क्योंकि स्काउटिंग उसके जीवन में जो जीवन चर्या है उसमें भी उसको बहुत काम आती है, जैसे हम कई ट्रेनिंग देते हैं, आपदा ट्रेनिंग देते हैं, प्राथमिक सहायता की ट्रेनिंग देते हैं,
जिसका बेनिफिट वो अपने आम जीवन में भी ले सकता है, और एक उसको जो स्काउटिंग है वो स्वावलंबी भी बनाती है। कोविड के दौरान रोवर्स का और स्काउटर्स का या स्काउटिंग का क्या योगदान रहा है समाज के लिए? यद्यपि क्योंकि मैं रोज अखबारों में देखता हूँ कि रोज खबरें छपती हैं और काफी लोगों ने उसको सराहा है, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि रोवर्स किस तरह से इस काम में जुटे रहे। कोविड के टाइम हमारे स्काउटिंग का बहुत महत्व रहा। इसमें बच्चों ने जैसे मास्क वितरण करना है, घर पर बना के रोवर इंजन ने मास्क वितरण किए हैं और भोजन किट वितरण किया है। बना हुआ कोई संस्थाओं के द्वारा भोजन बना के जैसे वितरण करते हैं तो उसमें भी हमारे रोवर इंजनों ने बहुत सहयोग किया है। यातायात के साथ भी काम किया है हमारे रोवर इंजन ने, और इनकी सराहना भी की है कि ट्रैफिक के साथ बहुत अच्छा काम किया है। बैंकों में भी काम किया है बच्चों ने। यहाँ बैंकों के लिए तो कलेक्टर साहब ने खुद बुला के और मुझे कहा कि बच्चों को बैंकों में लगाओ, तो उनको विश्वास था कि स्काउट गाइड ये काम कर लेंगे। तो बैंकों में इनके कलेक्टर साहब के द्वारा लगाया गया और उनकी प्रशंसा भी की गई काम की कि बहुत अच्छा काम हो रहा है। और इसके अलावा जैसे अभी भी कोरोना से जागरूकता से संबंधित हमने अभी साइकिल रैली की है सारे स्थानीय संघ के 10 स्थानीय संघों में। पूरे में 5 दिन का हमने प्रोग्राम बनाया था जिसमें बच्चों ने भाग लिया और साइकिल के माध्यम से सभी गांवों में शहर में होते हुए जागरूकता अभियान चलाया था। और अभी भी जैसे प्रशासन का काम चल रहा है, जैसे ये महात्मा गांधी का जो प्रोग्राम है 1 महीने का, इसमें भी स्काउट गाइड अपना पूरा सहयोग दे रहा है। जैसे समय समय पर मास्क वितरण करना, सैनिटाइज करना, या फिर रंगोली प्रतियोगिता या रैली निकालना है, जो भी काम जो हमें दिया गया है वो बहुत अच्छी तरह से रोवर रेंजर कर रहे हैं। मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे रोवर्स जगह जगह जाकर के और स्काउट घरों के बाहर इस तरह के पोस्टर पंपलेट लगा रहे हैं कि घर से मास्क को बिना बाहर ना निकले, बिना मास्क के अपने घर में किसी को ना आने दे, तो स्काउट का बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन है। तो इस तरह बच्चे के जो जीवन में ये स्काउटिंग काम आ सकती है मैं समझता हूँ, तो आपकी दृष्टि से ये कैसे उपयोगी हो सकती है जो उसके जीवन के लिए उपयोगी बन सके? बच्चे को जैसे अपने जो ट्रेनिंग देते हैं उसमें हम जैसे प्राथमिक सहायता का हमारे एक अलग से ट्रेनिंग होती है, आपदा प्रबंधन की ट्रेनिंग होती है। जैसे कोई विपरीत परिस्थिति में या आपदा के समय वह किस किस घरेलू उपयोग कर सकता है या अपनी सहविवेक से क्या कर सकता है, और प्राथमिक सहायता वो खुद के लिए या दूसरे के लिए भी उसका उपयोग कर सकता है। तो वो हम प्रशिक्षण के साथ साथ उनको प्राथमिक सहायता है और फर्स्ट ये आपदा की ट्रेनिंग है तो वो देते हैं, जो उनके जीवन में बहुत उपयोगी होती है। आपने शुरू में बताया था कि यहाँ के स्काउटर्स कई प्रिंसिपल भी और कई रोवर्स भी बाहर गए, विदेशों में गए, उन्होंने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की गतिविधियों में बहुत भाग लिया और गंगानगर जिला शुरू से इस मामले में काफी आगे रहा है। तो मैं समझता हूँ कि आप क्या समझती हैं कि गंगानगर जिले का इसमें क्या योगदान है? इसमें गंगानगर जिले में जो स्काउटिंग है पहले ही बता चुकी हूँ जैसे बहुत अच्छी चलती है, तो यहाँ से जो नेशनल इंटरनेशनल की गतिविधि है उसमें भी बच्चे भाग लेते हैं, टीचर्स भी भाग लेते हैं, प्रिंसिपल्स भी भाग लेते हैं। अब तक यहाँ काफी जैसे देशों की जो बच्चे जा चुके हैं जैसे नेपाल है, थाईलैंड है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, अमेरिका है, श्रीलंका है, तो इस प्रकार काफी जो कंट्रीज है जहां बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है और गंगानगर राजस्थान का ही नहीं बल्कि गंगानगर जिले का भी नाम रोशन किया है। इसकी स्काउटिंग की एक महत्वपूर्ण कड़ी होती है मैडम, उसको पेट्रोल लीडर कहते हैं, जो जान है स्काउटिंग की। पेट्रोल सिस्टम को मुख्य सिस्टम या मुख्य आधार माना जाता है और पेट्रोल उसका इकाई, और कई जगह ऐसा भी देखा गया है कि बिना टीचर्स के ही पेट्रोल लीडर अपने ट्रुप को चला रहा है, और खासकर रोवरिंग में तो कई जगह से देखने को मिला है। तो फिर क्या इसके प्रशिक्षण की कोई प्रावधान स्काउटिंग में है? इसका प्रावधान है स्काउटिंग में और इसका पहले ट्रेनिंग भी होती थी, पर अब स्थानीय स्तर पर और ग्रुप स्तर पर ही इसकी ट्रेनिंग होती है। इसका बहुत बेनिफिट है क्योंकि बच्चा एक लीडिंग का काम करता है, जो सीनियर स्काउट हो या चाहे रोवर हो तो वो एक लीडिंग का काम करता है। अगर उसको ये ट्रेनिंग और दे दे तो ये काम बहुत अच्छा हो सकता है।
तो आगे के लिए अपने इस कैंप को रेगुलर करने की कोशिश करेंगे ताकि बच्चे में लीडरशिप आ सके और उसको काम को बेहतर किया जा सके। स्काउटिंग यद्यपि बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन मैं समझता हूँ आप सदैव तत्पर रहती हैं कि ये और बढ़े, नए ग्रुप और जुड़े हमसे, तो इसको आगे और बढ़ाने के लिए आप स्काउटर गाइडर्स से क्या कहना चाहेंगे? स्काउटर गाइडर्स से मैं ये कहना चाहूंगी कि वो बच्चों को जोड़ने के लिए, या ऐसी स्थिति आती है जैसे बच्चे अब कम हो जाते हैं तो उनकी रुचि कम है, तो वो इसकी जो बेनिफिट है उनके पेरेंट्स से मिलके उनके बेनिफिट बताए कि बच्चे को इससे क्या बेनिफिट है, इसका आगे क्या क्या स्कोप है। जैसे अलग रेलवे में भी वैकेंसी निकलती है या फिर कहीं कॉलेज में और कहीं भी एडमिशन होता है उसमें भी इसका बेनिफिट है, तो ये अगर एक स्काउटर गाइडर है वो पेरेंट्स को बताएंगे तो इसमें आगे बच्चों को जोड़ने में बहुत बेनिफिट मिलेगा इसका। थैंक यू मैडम, आपने स्काउटिंग के बारे में बहुत सारी बातें बताई और मैं समझता हूँ आपके नेतृत्व में गंगानगर जिला चौमुखी विकास कर रहा है हर क्षेत्र में। साधु साहर से रैली शुरू हुई और वो कई सारे हल्ले गढ़साना तक गई और उसके बाद वापस सूरजगढ़ में उसका समापन हुआ। आप पूरी रैली के समय में उन बच्चों के साथ रही, उनका अवसर बढ़ाती रही। इसी प्रकार से जो अन्य गतिविधि होती है उसमें भी मैं देखता हूँ कि आप केवल यही नहीं कहती तुम जाओ, आप उनके साथ रहती हैं, तो ये आपका कुशलता, ये आपका नेतृत्व निश्चित रूप से गंगानगर जिले को आगे बढ़ाएगा और स्काउटिंग ये निश्चित रूप से आगे बढ़ेगी। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, जय जय भारत।